हाय एवरीवन, माय नेम इज स्मिता मिंज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स और काइंड्स ऑफ ड्रामा, यानी कि नाटक के क्या क्या प्रकार होते हैं, ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में, जो सब्जेक्ट रहता है आर्ट एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा, वहाँ पे आप लोगों को ये टॉपिक जो है पढ़ने की ज़रूरत होती है। और इस वीडियो के पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई है ड्रामा टॉपिक के ऊपर, जिसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन मैंने बताया हुआ है, ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल ड्रामा भी मैंने बताया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन, इन चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया है, और एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स ऑफ ड्रामा भी है मेरी वीडियोस में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला टाइप या प्रकार जो हमको देखना है वो है कॉमेडी, यानी कि कॉमेडी ड्रामा, और इसको हिंदी में बोलते हैं हास्य प्रधान नाटक। इस नाटक का जो मतलब पर्पस रहता है वो ये रहता है कि हम लोगों को, यानी जो भी हमारी ऑडियंस या दर्शक है, उनको हंसा सके या उनको खुश कर सके, या इस प्रकार का मनोरंजन करना जो कि उनको, ऑडियंस को मज़ेदार लगे यानी कि फनी लगे, या फिर हास्यपूर्ण लगे यानी कि ह्यूमरस लगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ जोक्स इंटेंडेड टू मेक एन ऑडियंस लाफ। आपकी ऑडियंस जो है वो आपके ड्रामा से मतलब खुश होनी चाहिए, उनको मज़ा आना चाहिए और वो हंसने चाहिए। दिस इज़ अ ड्रामा दैट इज़ फनी एंड ह्यूमरस। तो ये होता है एक टाइप ड्रामा का, कॉमेडी ड्रामा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी यानी होता है जिसमें कि कुछ स्ट्रगल आप किसी की दिखा रहे हो, या कुछ सैड थीम है आपका ड्रामा का, तो इस प्रकार की चीज़ जो है वो ट्रेजेडी ड्रामा के अंदर आती है। दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ कॉमेडी, यानी कि कॉमेडी में आप लोगों को खुश करते हैं या हंसाते हैं, और ट्रेजेडी ड्रामा देख के जो ऑडियंस है वो थोड़ा मतलब सैड हो सकती है, और ये जो ड्रामा है वो थोड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर बनता है। दिस इज़ अ सीरियस ड्रामा विथ अ सैड थीम, यानी कि जो विषय रहेगा वो भी आपका सैड रहेगा। इट इन्वॉल्व्स अ हीरोइक स्ट्रगल दैट एंड्स सैडली। किसी भी व्यक्ति का या जो भी उसका मेन कैरेक्टर है उसका स्ट्रगल दिखा सकते हैं, या इस टाइप की चीज़ें जिसमें कि काफ़ी स्ट्रगल या कुछ संघर्ष हो या कुछ दुख की बात हुई हो, इस टाइप की जो घटनाओं पे जो ड्रामा बनते हैं उसको ट्रेजेडी ड्रामा जो है कहा जाता है। नेक्स्ट हमको देखना है डांस ड्रामा। डांस ड्रामा ये होता है कि जिसमें हम कोई मैसेज जो है, या कोई स्टोरी जो हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो हम डायलॉग्स के थ्रू नहीं करते या एक्शंस के थ्रू नहीं करते, हम डांस मूवमेंट्स के थ्रू जो है अपनी चीज़ों को लोगों के सामने दर्शाते हैं, उनको दिखाते हैं और उनका मनोरंजन जो है करते हैं। जैसे कि कोई तांडव वगैरह हो गया, या जो भी हम क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो देखते हैं, जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी हो गया, और इस टाइप की चीज़ें जो क्लासिकल डांस देखने को मिलता है, मणिपुरी, कथक वगैरह, इन सभी में यही होती है कि कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी आप लोगों के सामने पेश करते हैं, या किसी भी प्रकार की कहानी या स्टोरी आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, पर उसको प्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि वहाँ पे आप डायलॉग्स नहीं बोलते हैं, एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का संवाद नहीं करते हैं, आप जो चीज़ दर्शाना चाहते हैं उसके लिए आप डांस मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज़ को ही डांस ड्रामा कहा जाता है, जहाँ पे आप कोई कहानी कह रहे हो अपने दर्शकों से, पर डांस के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रामेटाइज्ड फोक टेल्स। फोक टेल्स यानी कि क्या होता है, जो कहानियाँ हमको दादी और नानी लोग सुनाया करते हैं बच्चों को रात को सोते समय या इस प्रकार से, तो वो सारी चीज़ें जो हैं फोक टेल्स होती है, जो कि शिक्षाप्रद कहानियाँ भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि अपने मन से ही कुछ मनगढ़ंत हम बना रहे हैं, कुछ जो शिक्षाप्रद कहानी जो हम बच्चों को सिखाते हैं, उन्हीं कहानी के ऊपर से कुछ आप ड्रामा जो है उसकी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं एंड उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, तो वही होगा ड्रामेटाइज्ड फोक टेल्स। दिस रेफर्स टू फोक टेल्स, यानी कि फोक टेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, स्टोरीज फ्रॉम ओल्ड ट्रेडिशनल पीपल, यानी कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल पीपल हमको जो कहानी सुनाया करते थे उसी कहानी को हम ड्रामा के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। बींग ड्रामेटाइज्ड सो एज टू कन्वे मैसेजेस टू द
सोसाइटी, ताकि हम अपनी जनरेशन को या अपनी सोसाइटी को किसी प्रकार का मैसेज जो है वो दे सकें या कोई शिक्षा जो है उनको दे सके। ये जो चीज़ है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी हो सकती है। अगर हम सिर्फ इसको बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम उसमें जैसे कि एक जंगल था, वहाँ एक शेर था, एक भालू था, एक बंदर था, इस तरीके की चीज़ें भी हम, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको कोई सोशल मैसेज देने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके की भी फोक टेल्स को आप ड्रामेटाइज कर सकते हैं। या कोई सीरियस मैटर है अगर जो कि आप बड़े लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो भी आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने ड्रामा के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है म्यूजिकल ड्रामा, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओपेरा। ये इस प्रकार का ड्रामा होता है जैसे हम डांस ड्रामा में देख रहे थे कि वहाँ पर भी किसी प्रकार का संवाद नहीं होता, कोई एक्शंस नहीं होते, सिर्फ डांस मूवमेंट्स के थ्रू अपनी कहानी बताई जाती है। ओपेरा भी यही चीज़ होती है, यहाँ पर भी किसी प्रकार का डायलॉग वगैरह जो है वो यूज़ नहीं होता। यहाँ पे एक ग्रुप होता है लोगों का जो कि एक ऑर्केस्ट्रा जो है वो प्रेजेंट करते हैं, लोग सिंगिंग करते हैं, जो भी स्टोरी वो बताना चाह रहे हैं उसके लिए लोग होते हैं जो कि उसको सॉन्ग के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और सॉन्ग्स के साथ सिर्फ गाते ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स का भी वो यूज़ करते हैं, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रहता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक टीम रहती है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, एक टीम रहती है सिंगिंग के लिए, जो कि सॉन्ग, जो भी स्टोरी है उसको सॉन्ग के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं, और एक टीम जो होती है वो उसको एक्ट कर रही होती है, यानी कि अपने हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, यानी बॉडी मूवमेंट जो है कर रही होती है, एक्शन कर रही होती है। तो इस तरीके की जो प्रस्तुति होती है उसको म्यूजिकल ड्रामा कहा जाता है। रेफर्स टू द यूज ऑफ म्यूजिकल सॉन्ग्स टू ड्रामेटाइज एक्टिविटीज और इवेंट्स और सिचुएशंस, समटाइम्स इंस्ट्रूमेंट्स अकंपनी द सिंगिंग। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हो ही, नॉर्मल सिंगिंग भी हो सकती है, पर इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल जो है उसमें किया जाता है। तो ये था हमारा म्यूजिकल ड्रामा। नेक्स्ट हमको देखना है माइम, बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, रेफर्स टू द यूज ऑफ जेस्टर्स एंड एक्शंस टू परफॉर्म। इसमें भी कोई वर्ड्स जो है हम यूज़ नहीं करते किसी कहानी को प्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे हमारा सिर्फ जेस्टर्स, यानी जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, और हमारे एक्शंस जो है, हमारे पोस्चर्स जो है, उसके थ्रू ही हम फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हुए ही अपना जो मैसेज है या स्टोरी है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है माइम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर्स टू द यूज ऑफ जेस्चर्स एंड एक्शंस टू परफॉर्म। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस इन विच पीपल एक्ट आउट सिचुएशंस और पोर्ट्रेट कैरेक्टर्स यूजिंग ओनली जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड एक्शंस। अपने हाव भाव के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही, अपने एक्शंस के थ्रू ही जो है लोग अपनी कहानी को प्रेजेंट करते हैं या जो भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो बताते हैं। यहाँ पे आपस में कोई डायलॉग वगैरह, कोई लाइंस वगैरह जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट और लास्ट हमको देखना है मास्क ड्रामा। मास्क ड्रामा यानी कि लोग इस पे अपने चेहरे पे मुखौटे लगा करके नाटक करते हैं। अब मुखौटे ज़रूरी नहीं है कि पूरे फेस को कवर करें, या तो सिर्फ आई के पोर्शन में वो लोग जो है मुखौटे लगाते हैं, या फिर कंप्लीट मास्क भी यूज़ कर सकते हैं जो पूरे फेस को कवर करे। अब इसका मतलब क्या होता है कि मास्क ड्रामा का मतलब, जो भी किरदार आप निभा रहे हैं, जो भी कैरेक्टर आपको मिला हुआ है, उस पात्र को दर्शाने के लिए, उस कैरेक्टर को लोगों के सामने दर्शाने के लिए या बताने के लिए कि हम किस चीज़ का किरदार निभा रहे हैं, आप उस चीज़ का मुखौटा जो है लगा लेते हैं ताकि लोग उससे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएँ। और ये जो है ग्रीस में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी भी वहाँ ऐसा होता है। और पहले जो एंशियंट टाइम्स में वहाँ पे जब वर्शिप करते थे गॉड का, उस समय लोग जो है इस तरीके की मास्क वगैरह का इस्तेमाल करते थे जो भी इवेंट वहाँ पे होता था या जो भी उनकी वर्शिप होती थी। और फिर ये वहाँ का ट्रेडिशन ही बन गया कि वहाँ जो भी ड्रामा होता है तो अपने कैरेक्टर्स शो करने के लिए वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मास्क हैव बीन यूज्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स इन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस। आगे लिखा हुआ है द मास्क एज अ डिवाइस फॉर थिएटर फर्स्ट इमर्ज्ड इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इसका जो है इमर्ज हुआ ये
फ्रॉम द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ एंशियंट ग्रीक्स, जो एंशियंट ग्रीस के जो लोग थे वहाँ पे लोग जो है इसी प्रकार का करते थे, जैसे मैंने बताया जब वो वर्शिप वगैरह करते थे तो मुखौटों का इस्तेमाल वो किया करते थे. दिस रेफर्स टू अ ड्रामा वेयर ऑल द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस परफॉर्म इन मास्किंग ट्रेडिशन. यानी कि जो एक्टर्स होते हैं और एक्ट्रेसेस होती हैं, हीरो हीरोइन आप कह सकते हैं, जो भी अभिनेता होते हैं वो जिस भी चीज़ का किरदार निभा रहे होते हैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, ताकि लोग जो हैं या ऑडियंस जो है उसे बेहतर तरीके से समझ पाए और कनेक्ट हो पाए, मुखौटों का इस्तेमाल किया करते हैं और उसी के थ्रू वो अपनी स्टोरीज जो है वो प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने. तो ये सारा होता है टाइप्स ऑफ ड्रामा जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया. कॉमेडी, जिसका कि उद्देश्य रहता है लोगों को एंटरटेन करना, उनको हंसाना, उनको खुश करना और फनी चीज़ें लोगों को करके एंटरटेन करना. ट्रेजेडी, यानी कि जिसमें किसी का स्ट्रगल दिखाया हो या जो थीम है वो कोई सैड थीम हो, कोई सीरियस टॉपिक पे कुछ जो चीज़ें हैं वो बनी हो. डांस ड्रामा, जिसमें डायलॉग नहीं होता, सिर्फ डांस मूवमेंट के थ्रू ही कोई कहानी हम जो है प्रेजेंट करते हैं. ड्रामेटाइज्ड फोक टेल, यानी कि जो भी कहानियाँ जो हमारे पूर्वज लोग हमें सुनाया करते थे उसी चीज़ को या उसी मैसेज को सोसाइटी तक पहुँचाने के लिए उसके ऊपर कोई ड्रामा क्रिएट करना. फिर हमने म्यूज़िकल ड्रामा देखा, यानी कि ओपेरा, जिसमें कि सॉन्ग्स होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है और लोग उसमें भी कोई डायलॉग्स का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी कहानी को या मैसेज को वो लोगों तक सॉन्ग्स के थ्रू ही या म्यूज़िक के थ्रू ही जो है पहुँचाते हैं, कन्वे करते हैं एंड एक्शंस बस करते हैं, किसी प्रकार का डायलॉग नहीं होता. और उसके बाद है मास्क ड्रामा, यानी कि जो भी कैरेक्टर या पात्र आपका है उसी का आप मुखौटा लगाते हैं और फिर आप जो है अपना ड्रामा को प्रस्तुत करते हैं, उससे लोग बेहतर तरीके से रिलेट हो पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं. तो ये सभी था ड्रामा के प्रकार, यानी कि नाटक के प्रकार. तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे. पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है आप लोगों ने तो, और शेयर ज़रूर से करिएगा फ्रेंड्स के साथ ताकि जो नोट्स हैं इस चीज़ के वो सभी स्टूडेंट्स तक जा सके. मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.